शांति दस मई अब दादा का आगमन हुआ है बाबा सभी बच्चों को नशा चढ़ाते हैं मोटिवेट करते हैं सबसे पावरफुल सुप्रीम मोटिवेशनल टीचर है बाबा तो आज अपने धरती के चेतन सितारों को देख रहे हैं सितारों से रोशनी मिलती है आप सभी नई सृष्टि की स्थापना में पवित्रता सुख शांति संपन्न सृष्टि की स्थापना में कितनी रोशनी देने वाले हो बहुत अच्छी बाबा चेकिंग की बात कह रहे हैं उन सितारों का प्रभाव भी धरती पर पड़ता है तो जब जड़ सितारों का प्रभाव धरती पर मनुष्यों पर पड़ सकता है तो तुम चेतन सितारों का प्रभाव क्यों नहीं पड़ सकता ज्ञान सितारे हो लक्की सितारे हो पवित्रता के सितारे हो सुख शांति के सितारे हो बाबा हम सबको नशा चढ़ा रहे हैं तुम्हारा प्रकाश विचार और फैल रहा है तो चेक करो अपने को हम शांति के सितारे ज्ञान के सितारे सफलता के सितारे धरती के चेतन सितारे सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले सितारे, दूसरों पर कितना प्रभाव डाल सकते हैं देखिए ये रोज की हमारी बात है हम ज्ञान देते हैं लोगों के साथ रहते हैं परिवारों में रहते हैं हमारा प्रभाव दूसरों पर कितना पड़ता है तो बाबा बहुत अच्छी बात कह रहे हैं हर एक सितारे को एक एक बात में स्पेशलिस्ट अवश्य बनना है जैसे डॉक्टर्स होते हैं जनरल नॉलेज तो रखते हैं लेकिन एक बात के स्पेशलिस्ट कोई नाक गल गला कान का तो कोई हार्ट का कोई स्किन का कोई हड्डियों का अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं हम सब जानते हैं तो बाबा भी कह रहे हैं तुम्हारे में सारे गुण भले ही हो लेकिन एक एक चीज के स्पेशलिस्ट अवश्य बनो कोई शांति देने वाला हो कोई ज्ञान देने वाला हो कोई शक्ति देने वाला हो कोई मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो बाबा ने कहा देवियों में भी देखो ऐसे ही है भले देवियां सब हैं सब पवित्र हैं गुणयुक्त लेकिन सरस्वती ज्ञान देने 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 वाली, वाली, वाली दुर्गा देवी शक्ति देने वाली, लक्ष्मी धन देने वाली है। तो ज्ञान की और पुरुषार्थ की जो बातें हैं इनकी गहराई में जाओ तब तुम्हारा प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ेगा रिसर्च करो नए नए अनुभव करो संपूर्णता की ओर चलो तुम्हारी संपूर्णता के प्रकाश से ही संसार से अज्ञान का अंधकार मिटेगा। बहुत ही सुंदर बात बाबा कह रहे हैं बाबा कह रहे हैं कि ये चेतन सितारों का संगठन कितना सुखदाई है सबको आकर्षित करने वाला है वैज्ञानिक लोग उन सितारों को देखते हैं उन दिनों डर था कोई ग्रह धरती से टकराएगा तो बाबा ने कहा प्रकृति और मनुष्य दोनों हलचल मचा रहे हैं उस समय की कोई स्थिति होगी मनुष्यों की भी तुम सभी को शांति देने वाले हो अब वो प्रकृति की खोज कर रहे हैं फिर तुम्हारी खोज करेंगे कि ये शांति के वाइब्रेशंस कहाँ से आ रहे हैं ये सुखों की तरंगे कहाँ से आ रही हैं हमें शक्तियाँ कहाँ से मिल रही हैं बहुत सुंदर बातें हैं बड़ी गहरी बातें हैं तो प्रकृति की खोज तो विज्ञान कर रहा है लेकिन अब समय आ गया है अब तो आ गया है समय ये तो 1986 की है गोल्डन जुबली हम उस समय मना रहे थे तो बाबा कह रहे हैं गोल्डन वर्सन तुम्हारे एक-एक कैसा अनुभव कराएं इनके नैनों से गोल्डन लाइट आ रही है जीवन भी गोल्डन हो जाए कोई कैसा भी काला लोहा हो कठो कठोर लोहा हो कि बहुत सुंदर बात है तुम्हें ये नहीं सोचना है कि ये तो लोहा है बदल नहीं सकता तुम्हें ये सोचना है मैं पारस हूँ याद रखेंगे बात आज से तो मैं तो लोहे को सोना बनाने वाला पारस हूँ लोहा तो लोहा है लेकिन पारस के टच करते ही तो सोना बन जाता है फिर बाबा ने कॉन्फ्रेंस होने जा रही है क्योंकि कॉन्फ्रेंस होती थी जनवरी में ही हर वर्ष ओम शांति भवन बना था तब से शुरू हुई थी तो बाबा कह रहे इस बार बाबा कॉन्फ्रेंस की एक नई विशेषता के लिए इशारा दे रहे हैं बाबा का लक्ष्य था सभा में गहन शांति हो बाबा ने कहा जो भी कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आ रहे हैं वो ये सोच करना है कि हम कॉन्फ्रेंस देखने आ रहे हैं शांति का योगदान देने आ रहे हैं जो भी सेवा करने वाले वो सेवा करके आके बैठे और शांति का माहौल बनाए हमारे सब प्रोग्राम के लिए बाबा ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं फिर कहा स्टेज पर भाषण करने वालों के अलावा छोटे चो छोटे ग्रुप अर्ध चंद्राकार स्थिति में बैठे एक कन्या हो एक माता हो एक कोई युगल हो तीन तीन मिनट बोले प्रभावशाली जिससे सबको अनुभव हो उनके ऊपर केवल लाइट पड़ रही हो बाकी डिम लाइट हो जाए सभा में गहन सन्नाटा फिर दूसरे दिन करें एक डॉक्टर को बैठा हो एक इंजीनियर को बैठा हो एक ऑफिसर को बैठा है भाषण तीन मिनट का ही करें लेकिन ऐसा जो सबको अनुभूति हो जाए ये बाबा ने बहुत सुंदर पिक्चर खींची जो भी यहाँ आए वो गहन शांति का अनुभव करके जाएं कॉन्फ्रेंस में भाषण तो भले ही सब करेंगे भाषण थोड़ा हो अनुभूति ज्यादा हो फिर बाबा के सामने टीचर्स हैं बाबा उन्हें कह रहे हैं तुम फाउंडेशन हो फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए तुम बाबा के दिल तक नशीन हो बस याद रखना मैं बहुत भाग्यवान हूँ भगवान के दिल तक नसीन हूँ आज का वरदान है ईश्वरीय मर्यादाओं का नेचुरल रूप से पालन करते हुए हमें सहज योगी बनना है तो बाबा ने कहा अमृत वेले बाप से इतनी शक्तियां ले लो कि सारा दिन स्थिति निर्विघन चले बहुत अच्छी चले मर्यादाओं का पालन भी सहज होता रहे नेचुरल रूप से तब तुम योगी बन जाओगे और स्लोगन है चेहरे और चलन से पवित्रता की झलक दिखाते रहो तो आज हम अपने को इस स्वरूप में लाएंगे मैं मास्टर ज्ञान सूर्य और ज्ञान सूर्य से बाबा आंखों के सामने है उनकी किरणें सामने से मुझ पर पड़ रही हैं ओम शांति To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com slash tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.